दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियो फोन 2 में क्या क्या आपको मिलने वाला है, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और यहां तक कि जो डबल सिम होगा तो इसमें दूसरा 4G सिम काम करेगा या नहीं। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे एक बना होगा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके काला कर देना है। अगर आपका पहले से ही रेड कलर में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको ये वीडियो देखना है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल वाला बटन दबा के उसको काला कर दें, साथ में एक घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दें। तो चलिए बताते हैं आपको जियो फोन 2 में आपको मिलने क्या क्या वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये सिम जो होगा इसमें दो दो सिम सपोर्ट करेंगे आपको इस जियो फोन 2 में, और दोनों सिम जो होंगे आप एक सिम आपको जियो डिफॉल्टली यूज़ करना पड़ेगा 4G के लिए, वो फिक्स है, बाकी कोई 4G सिम उसमें काम शायद नहीं करेगा। और बाकी जो 2G वाला सिम है उसमें आप कोई सा सिम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वोडा, आइडिया, कोई सा भी सिम आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो डबल सिम इसमें मिलने वाला है। बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो स्क्रीन 2.4 QVGA TFT डिस्प्ले होगा, जैसा कि जियो फोन पहले वाले जियो फोन में था। इसमें थोड़ा सा स्क्रीन जो है ब्लैकबेरी साइज़ का दे रखा है, यानी कि चौड़ा ज़्यादा दे रखा है हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि स्क्रीन के मामले में आप जो है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। वहीं बात करें बैटरी और चार्जर की, तो बैटरी आपको मिलेगी 2000 mAh बैटरी, और 2000 mAh की बैटरी होगी और 15 दिन तक आप इसको स्टैंड बाय यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड बाय का मतलब कि आप जो है लगभग 15 दिनों तक बिना मतलब अगर कोई कॉल वगैरह नहीं करते तो ये फ़ोन ऐसे के ऐसे चार्ज रहेगा। बात करते हैं मेमोरी कार्ड स्लॉट की, तो इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट जो होगा 128 GB तक सपोर्ट करेगा, यानी कि आपके पास अगर 128 GB का कोई मेमोरी कार्ड है तो भी इसके अंदर सपोर्ट करेगा, 16 GB 4G वो तो करेगा ही। चलिए बात करते हैं अब इसके लुक की, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी प्रीटी लुक है, काफ़ी सुंदर लुक दिया है इस बार पहले वाले फ़ोन से काफ़ी अच्छा। यहाँ पे 4-way नेविगेशन बटन दे रखा है, जो सर्कल जो है जैसे कि आईफोन में होता है वैसे ही गोल गोल सा बटन दे रखा है, उसमें एक वॉइस कमांड का ऑप्शन भी दिख रहा है, और सारे फीचर्स लगभग जैसे जियो फोन में थे वैसे ही इसमें जियो फोन 2 में होने वाले हैं। और कीपैड इसका क्वर्टी कीपैड है, जैसे कि आप देख रहे हैं QWERTY जैसे कि आपका कीबोर्ड में होता है वैसे ही, तो एकदम जो है एक लुक अच्छा प्रोवाइड किया गया है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई है। थोड़ा सा प्राइस जो है इसका ज़्यादा है, लेकिन बाकी फीचर्स में बता देता हूँ। पहले इसमें आपको हेडफोन जैक तो जैसे कि नॉर्मल होता ही है सबके पास हेडफोन जैक, इसमें नीचे की तरफ दे रखा है, और पहले वाले जियो फोन में अगर आपको ध्यान हो तो शायद उसमें ऊपर की तरफ था, कमेंट में बताइएगा उसमें क्या था। अब बात करते हैं इसमें जो है FM रेडियो जो विदाउट हेडफोन, यानी कि आपका अगर हेडफोन नहीं है यानी कि लीड नहीं लगा है तब भी आपका FM रेडियो बनेगा। अगर आप एक अच्छे एरिया में रहते हैं जहां पर FM रेडियो की कवरेज है तो जियो फोन को सिर्फ ऑन कर दीजिए और अपने FM पे गाने सुनिए। और इसमें रिंगटोन भी अलग अलग तरह के दे रखे हैं, यानी कि आप इसमें रिंगटोन सेट कर सकते हैं, वैसे जियो म्यूजिक से डाउनलोड करके आप जो कॉलर ट्यून भी लगा सकते हैं, इसमें जियो म्यूजिक का ऑप्शन भी दिया गया है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा आपको 2 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, वहीं पर बैक में दे रखा है, रियर में 2.0 MP का, फ्रंट कैमरा होगा 0.3 MP का। तो कैमरा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसा कि जियो फोन 1 में था वैसे कि वैसा कैमरा जो है सेम इसमें दिया गया है, यानी कि कैमरे जो है थोड़ा सा फ्लैश भी दे रखा है इसमें टॉर्च लाइट, यानी कि आप जो है अपना फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर जो है इसमें स्पीकर भी दे रखा है, साथ में नीचे माइक्रोफोन भी दे रखा है। सबसे एडवांटेज क्या है जियो फोन का, अगर आप रिचार्ज करवाते हैं कि जो भी 49 रुपये का उसमें पूरे महीने बात कर सकते हैं, और साथ में अगर आप जियो मीडिया केबल कनेक्ट करते हैं टीवी से तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, इसमें वाईफाई भी दे रखा है 8.02, ब्लूटूथ जो होगा ब्लूटूथ 4.1, और GPS भी दे रखा है, USB कनेक्टिविटी 2.0, NFC दे रखा है, यानी कि सब कुछ दे रखा है जो आपको चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम KIOS होगा, CPU जो होगा इसका जो है प्रोसेसर 1 GHz का है, और एक बार बता दें कि इसमें जो है आपको बैटरी जो है 2000 mAh का होगा लेकिन वो 15 दिन तक चलने वाला है। तो ये थी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और बाकी स्पेसिफिकेशन अगर आपको भी कुछ पूछना है तो पीछे कमेंट में आपको कमेंट करना होगा, उसका रिप्लाई 2-3 घंटे में जरूर दूंगा, शाम तक आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को भी। थैंक यू, बाय बाय।